दोनों एस से स्टार्ट होते हैं। आप अपने डिक्शनरी देखो, डिक्शनरी में पहले एस टी आता है कि एस यू आता है, अल्फाबेटिकल वर्ड है टी देन यू। तो डिक्शनरी भी हमें चीख चीख के कहता है कि पहले स्ट्रगल है बाद में सक्सेस है, मगर हम उल्टा सोचते हैं कि स्ट्रगल के बिना ही सक्सेस, ये पॉसिबल है क्या? इसको आसान बनाने के लिए हम लोग बहुत बार इस कहानी सुने हैं या पढ़े हैं या देखे हैं YouTube पे, टीवी पे, कहीं पे भी। आज ये कहानी दोहराएंगे, दोबारा से बस साफ करेंगे। वो कहानी है फोर स्टेजेस ऑफ अ बटरफ्लाई, फोर स्टेजेस ऑफ अ बटरफ्लाई। क्लासरूम होता है बिल्कुल इसी तरह, क्लासरूम जैसे यहाँ पे क्लासरूम है और आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, और बिल्कुल इसी तरह आप लोगों की तरह ही स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे होते हैं, और फिर वहाँ पे टीचर आते हैं, और वो टीचर अपने साथ लेकर के आते हैं एक छोटा सा कैटरपिलर जो कि लास्ट स्टेज से पहले कोकून के अंदर रहता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो पहला फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी, वो होता है एग्स। क्या होते हैं? एग्स होते हैं, उसको एग्स कहते हैं, एग्स कहते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है उसको कहा जाता है कि वो एक कैटरपिलर बन जाता है। क्या बन जाता है? कैटरपिलर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है तो वो एक तरह के झिल्ली के अंदर, जिसको कोकून कहते हैं, वो कोकून में चला जाता है। और फिर फोर्थ स्टेज जो आता है, फोर्थ स्टेज में कोई भी बटरफ्लाई अपने कोकून को फाड़ करके निकलता है और वो बटरफ्लाई बन जाता है और वो आराम से उड़ता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है? तो ये फोर्थ स्टेज में जाने वाले थे जब टीचर्स थे वहाँ पे लेकर के आए थे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए। वो डेमोन्स्ट्रेशन का नाम था स्ट्रगल एंड सक्सेस, और वो डेमो के लिए जब वो दिखाना चाहते थे तो उस इंस्टीट्यूशन के हेड ने उनको बुलाया थोड़ी देर के लिए कुछ काम के लिए ऑफिस में। तो वो वही टेबल पर उस कोकून को रख करके चले गए और कहा कि बेटा कोई भी इसको हाथ मत लगाना, और यह कोकून जो है ना वो अपने से जो है स्ट्रगल कर करके बाहर आएगा और एक बटरफ्लाई बनेगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ ऑफिस से, कुछ जरूरी काम। और वो चले जाते हैं क्योंकि ऑफिस से उनको इंस्टीट्यूशन के हेड ने बुलाया था। सारे बच्चे ना टेबल के पास आ जाते हैं, यहाँ पे टेबल है और टेबल को घेर कर करके सब एकदम देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जो है अभी बटरफ्लाई निकल करके आया। मगर एक बच्चे को ना, उनमें से एक बच्चे को, लाइक यू, एक बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होता है जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है ना निकलने का, ऐसे ऐसे स्ट्रगल कर रहा होता है निकलने का, तो बहुत तकलीफ होता है उसे। सपोज जैक को कि वो सोचता है मैं उसकी मदद करूँ, मैं उसकी हेल्प करूँ, वो ना एकदम से क्या कर करके कोकून को ऐसे ऐसे फाड़ देता है और बटरफ्लाई अपने आप से बाहर आ जाती है। मगर कुछ ही देर के बाद बटरफ्लाई हल्का हल्का पंख हिलाते हिलाते मर जाती है। और फिर सर पूछते हैं कि किसने किया ये। सारे बच्चों का एक ही आदत, कैसा आदत बेटा? जैसे तुमने किया है और सब इसको फिंगर दिखाओ, ऐसे करो ना, ऐसे फिंगर दिखाओ, सब सब फिंगर दिखाओ। हाँ यही होता है दुनिया में, सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो सबसे पहले पॉइंट करते हैं जब हमारी गलती होती है। ये स्वभाव है इंसान का, मानव का, मनुष्य का एक स्वभाव। इस स्वभाव के साथ साथ सारे बच्चों ने क्या किया कि हाँ उसने किया है, अब उसको सामने बुलाया गया और कहा गया कि देखो बेटा ये मर गया, इससे तुम क्या सीखे? और मैं भी पूछता हूँ कि ये पूरी स्टोरी से तुम क्या सीखे, आप क्या सीखे? तो आप सही से बोलिए, आप खड़े होके बोलिए, आप सही से बोलिए,
आप अगर कम्युनिकेशन नहीं करिएगा, सही से बातें नहीं कीजिएगा, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा जो आप दुनिया में फिर दिखाएंगे? आपने अपना जर्नी शुरू कर दिया, कमिटमेंट कर दिया, तो बड़े होकर के आप बोलिए कि आप ठीक है, इसको हटा देते हैं। खुद का सुनना चाहिए, बड़े जो बोलते सुनना चाहिए। आपने ये समझा कि बड़े जो बोलते हैं सुनना चाहिए, बैठ जाइए। ये आपने समझा है कि बड़े जो बोलते हैं बोलिए। निकालना होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। निकालना होगा। बटरफ्लाई की उड़ने की ताकत उस लड़के ने छीन ली। बटरफ्लाई की उड़ने की ताकत कब आती? जब वो अपने कोकून खुद से फाड़ता, सारे स्ट्रगल लगा के फाड़ता, तो उसके सारे के सारे रगों में खून दौड़ता और उसका पंख जो है वो तैयार हो जाता उड़ने के लिए। उसके अंदर स्ट्रेंथ आता, ताकत आती और वो उड़ पाता। अब बताइए बेटा, आपको क्या लगा इस कहानी से? आपने क्या सीखा? अपना मेहनत या अपना स्ट्रगल आपको खुद से करना होगा, किसी से करवाना नहीं होगा। ठीक है ना, शेख की तरह नहीं कि वल्ला हबीबी किसी से भी काम करवा ले कभी भी। आप खुद से करोगे तो आप ज्यादा जो है मेहनती कहलाओगे, है ना? अब बात करें ऐसे बैठे बैठे जी। अगर वो कोकन से अगर खून का अगर इससे निकलता तो उसका अंदर जो मतलब स्ट्रैटेजी रहता, उसके अंदर ताकत रहता, वो खुद से कर सकता है। इफ अगर उसको जो निकाल दिया गया है उसका अंदर, जैसे आप बोले कि उसका अंदर का जो ताकत था वो खत्म हो गया, वो बटन एकदम। हम लोगों को ना अपने हिस्से का स्ट्रगल खुद करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे अंदर हिम्मत आएगा, हमारे अंदर करने का कोई भी जज्बा पैदा होगा और हमारे अंदर वो करने का जो है एक एनर्जी आएगा। एक ही नाम हम लोग फर्स्ट नेम यूज करते हैं, पूरा टाइटल लगाने की जरूरत नहीं। मंजर, स्पेलिंग सही है जी? अच्छा, क्या डेट सोचा है आपने? 20 अक्टूबर 2024। मतलब आज से यहां के I'm starting my journey from 1st March 2025 inshallah। बहुत अच्छा, सब लोग आमीन बोलो। आमीन। यस, सब आवाज है। I am Madhushree Nagar. I am planning to start my journey from today, 20th October 2024. चलो, clap for him. Very good. हैं? साथ में एकदम बोलिए, एकदम ऊपर वाला भी सुनना चाहिए। हाँ। बोलिए। मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज से मैं रुकूंगा नहीं। बहुत अच्छा, चलो। लीव करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और कंसिस्टेंसी आगे बढ़ना चाहिए। सर हम लोग को बहुत मोटिवेशनल स्पीच बहुत अच्छे है सर, और हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए और लाइफ में अपना आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू।